प्रिय साथियों नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा आपके साथ हूं आज देश की आजादी की 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर। जी हां, आज हम आपके साथ हैं अपने कुछ मन के विचारों के साथ, यानी मन की बात को लेके। जी हां, आज से 74 वर्ष पूर्व हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उस वक्त हम लोगों ने क्या क्या सपने सजोए थे, उसमें से कितना हमने पूरा किया, आगे कहां तक जाना है, इन्हीं सारी चीजों को एक तरीके से रिवाइंड करके और अपने आप के जोश को उज्ज्वलित करके प्रज्वलित करके आगे जाने का एक दिन है। जी हां, जब बात करते हैं आजादी की, तो आजादी की लड़ाई में हमें उस वक्त साथ देने का मौका नहीं दिया परमात्मा ने, लेकिन आज हमारे पास है कि हम एक नए भारत की कल्पना को सामने रखें और उसी के लिए काम करें। जब बात हम आजादी की करते हैं, तो लगभग 700 वर्षों की गुलामी के बाद, यानी अगर देखा जाए पृथ्वीराज चौहान के पराभव के बाद से ही हमने दूसरे के गुलाम थे, चाहे उसके पहले मुगल के रहे हों या फिर उसके बाद अंग्रेजों के रहे हों, तो उसके बाद एक काफी ज्यादा जद्दोजहद और रक्तपात के बाद हमें लड़ाई मिली, चाहे उसमें भगत सिंह का योगदान हम नहीं भूल सकते हैं, महात्मा गांधी नेहरू परिवार का भी उस समय योगदान था, साथ में हमारे सुभाष चंद्र बोस और भी खुदीराम बोस जैसे जो सबसे पहले शहीद माने जाते हैं, उन सब के योगदान को भी हमें याद रखना होगा। आपका भविष्य तभी बनता है जब आप अपने भूत के यानी इतिहास की नींव पे आप अपने निर्माण करते हैं, तो उन सारी चीजों को एक देखने का दिन आज होता है। लेकिन 1947 से आज तक हमने क्या पाया और क्या खोया, हमें ये भी नहीं भूलना होगा। जिस आजादी को लेके हम चले थे 1947 में, क्या वो सचमुच हमें इन 73 सालों में मिली है? अगर नहीं मिली है, तो उसके भी दोषी हम सरकार को नहीं मान सकते हैं। हमारा अपना क्या होता है, हमने खुद देश को क्या दिया, ये भी अब देखने की जरूरत है। हमें लोकतंत्र में, जैसा कि भारत में है, लोकतंत्र के ऊपर भी हमारे देश में हमले हुए हैं, चाहे 1975 का आपातकाल रहा हो या फिर 84 के सिख नरसंहार रहे हो, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें लोकतंत्र को भी मजबूत रखना है। और ऐसी ही उम्मीद की किरण हम लोगों को 2014 से मिली है, और उम्मीद है आप सब, पहले हम जो लड़ाई लड़े थे 1947 के पूर्व की, वो थी स्वराज की, यानी अपना राज पाने की। 1930 में स्वराज की कल्पना की गई थी और वो हमें मिली 1947 में, लेकिन 1947 में जिस स्वराज की कल्पना की गई थी, यानी जनता के राज की, जनता के हित की, या गांधी के राम राज की कल्पना जो की गई थी, साथ में जो कलाम साहब ने सपने देखे थे, चाहे वो विंग्स ऑफ फायर की बात की गई हो, उसमें आप देखेंगे तो क्या हम उन सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं? उन्होंने 2020 में मिशन 2020 दिया, लेकिन हमने कितना अचीव किया? तो आज उन्हीं सारी चीजों को देखने का दिन है, चाहे वो जनता का विकास की बात की जाए या फिर रूरल डेवलपमेंट की हम बात करें, अर्बन की बात करें, साथ में जो अनेक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जा रही हो, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो, अभी आपके सामने एक पेंडेमिक सामने आपके है, यानी कोरोना वायरस का खतरा अभी भी आपके साथ बना हुआ है, तो इन सारे के बीच में सरकार का जो फर्ज होगा वो करेगी नहीं करेगी, तो जनता के पास हर 5 साल में मौके आते हैं, लेकिन बीइंग अ सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते हमने देश को क्या दिया, अब उस पे विचार करने का वक्त आ गया है। क्या हम एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ देश, एक उन्नत देश की तरफ अपना योगदान दे रहे हैं, या सिर्फ कमियां गिनाने में लगे हुए हैं? तो प्यारे साथियों, आज हमारा वक्त कमियां गिनाने का नहीं है, आज हमारे पास वक्त है देश को कुछ देने का। क्या आज हम कुछ ऐसी संकल्पना कर सकते हैं कि आगे से मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे हम देश के लिए क्या एक दिन दे सकते हैं, एक घंटा दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं? यानी देश को आपकी जरूरत है। सारे के सौभाग्य में सेना के में शामिल होना नहीं होता है,
सही एक तरीके से बॉर्डर पे जाके लड़ना नहीं होता है, हमारे पास है कि हम देश के अंदर रह के देश के लिए काम करें। तो इस इन सारे विचारों को देखते हुए मैं एक बार फिर आप सबको देश की 74वीं आजादी की वर्षगांठ पे हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे इन एक तरीके से विचारों से आप सब सहमत होंगे कि अब वक्त है कि हम देश के लिए कुछ दें, वो चाहे एक सफाई अभियान में शामिल होकर कर सकते हैं या फिर किसी और तरीके से, चाहे वो वृक्षारोपण ही क्यों ना हो, आप अपने ही घर पे पेड़ लगाइए। कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी संपत्ति में सड़कों के किनारे लगाइए, लेकिन अगर अपने घर पे भी पेड़ लगाएंगे तो वहां से भी ऑक्सीजन निकलेगी और पूरे वातावरण को शुद्ध करेगी। तो एक छोटा सा योगदान आपके भारत को उन्नत भारत और राम राज्य वाला भारत दे सकता है। तो इन्हीं सारी संकल्पनाओं के साथ, विश्वास के साथ कि आप सब भी इसमें जुड़ेंगे और एक नए भारत को बनाने के लिए चलेंगे, क्योंकि युवाओं की शक्ति और युवाओं के संकल्प के आगे सब कुछ बौना पड़ जाता है और ये भारत के युवा करके दिखा चुके हैं, बार बार दिखाते हैं। तो उम्मीद है आप सब भी हमारे इस अभियान में शामिल होंगे और एक उन्नत भारत बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए जय हिंद।